Hey बच्चे, मेरी घर की दीवारों पर क्यों लिख रहे हो? Sorry अंकल, next time से नहीं करूँगा। अरे तुम क्या sorry बोल रहे हो? तुम तो छोटे हो, उसको sorry बोलना चाहिए। और तुम ना साफ करोगे इस पूरी दीवार को। अरे तुम नहीं छोटे बच्चे, तुम नहीं, तुम और तुम गुंगे हो, sorry नहीं बोल सकते। सॉरी अंकल जी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। वो एक्चुअली क्या है ना, हम मेरी घर की दीवारों पे और इसकी घर की दीवारों पे और अपने पड़ोसी के घर की दीवारों पे लिखते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपकी घर की दीवारों पे भी लिखते हैं। वो एक्चुअली क्या है, हमें डांटी पड़ती रहती है इतनी ज्यादा कि बस, लेकिन फिर भी हम सुधरने तो वाले नहीं है क्योंकि हम छोटे हैं और हमें अकल तो है नहीं, इसलिए हम लिखते ही रहते और हमें लगा था कि आप बाहर नहीं होगे, लेकिन अगर आप बाहर आ गए। और अंकल सॉरी, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। टू बी कंटिन्यूड। आइडिया बेटा, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डांटू ना और तुम्हें मारू ना? हाँ जी अंकल, मैं चाहता हूँ। तो फिर मुझे अपनी मम्मी का फोन नंबर दे दो। अब वही इसकी पिटाई करेंगी। अरे अरे, मत देना मत देना, ये तुम्हारी मम्मा को फोन करके बता देंगे कि तुमने क्या करा है। तुम चुप रहो, तुम छोटे हो ना, तुम्हें कुछ पता पता तो है नहीं, मुझे देने दो। हाँ जी अंकल, नोट करिए 012505। बेटा ये तो सिर्फ 7 डिजिट का है। अरे अंकल रुक तो जाओ, उसके आगे का भी बता रहा हूँ। 0123 है। अच्छा चलो ठीक है, चलो बच्चे आप जाओ, मैं आपको अभी नहीं मारूंगा। देखा छोटे, उन्होंने मेरी मम्मा को फोन नहीं करा ना। ओ नो, तुम ओ नो क्यों बोल रहे हो? अरे जरा पीछे मुड़ के तो देखो, आगे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारी मम्मा को फोन कर रहे हैं। सॉरी छोटे, तुम पे विश्वास नहीं कर रहा। भागो, ओ कुत्ता, ओ मेरे पैर पे लोग के कहने लगे हैं। हाँ छोटे जल्दी। हाँ चलो भागते हैं। और बहुत तेज भाग रहा हूँ मैं, मेरा सर चकरा जाएगा। मेरा मतलब है कि मैं थक जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, छोटे भाई को अपने घर में ले लेगा, वरना मेरी मम्मा और वो अंकल दोनों मिलके भूसे मारेंगे। और क्या, चलो जल्दी। अरे मुझे अपने पापा से तो पूछने दो। पापा मैं अपने फ्रेंड्स को अपने घर में बुला लूं। हाँ बेटा जरूर, मुझे तुम्हारी मम्मा से पूछना पड़ेगा। जी मैं इसके फ्रेंड्स को हमारे घर पर बुला लूं। जी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने हाँ बोल दिया तो हमने भी हाँ बोल दिया। चलो फिर ठीक है, डिसाइड हो गया ना, चलो फिर जल्दी भागो। जल्दी भागो, एक तो मेरा इतना मोटा पेट है, ऊपर से मैं भाग रहा हूँ, चलो जल्दी। तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, चल भागते हैं। अरे छोटू को तो पीछा ही भूल गए, छोटू जल्दी। आपकी बात तो खत्म हो गई, ये कहाँ गए? अरे मैं भी आ रहा हूँ। और इतनी जल्दी भागना पड़ रहा है, कुछ मुझे हो ना जाए, एक तो ये हाथ भी नहीं पकड़े मैं गिर जाऊंगा। अगर मैंने तेरा हाथ पकड़ा ना तो हम दोनों गिरेंगे। अरे मोटू जाओगी भाग। यार एक तो मुझे मोटू बुलाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें अपने घर
सॉरी। अंकल जी टॉकिंग टू माय माता जी। हाँ जी, हाँ हाँ, मुझे आपसे एक चीज पढ़नी थी। वो ना आपका बेटा, हाँ आपकी कितनी अच्छी आवाज है। हाँ मजा आ गया। नहीं नहीं, मैं आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, आप बस हमसे बातें करिए। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छा फ्रेंड्स बन जाए। अच्छा चलो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है चलिए, मैं आपको मेरा पता बता दूंगा, आप मेरे घर आ जाइएगा। हाँ जी चलिए ठीक है, बाय। अजीब ही आदमी था, बताओ। पहले तो बोल रहा मेरे बेटे के बारे में कुछ, फिर बातें करने लग गया मुझसे। चलो ठीक है, लगता है मेरे बेटे ने उनको मेरा नंबर दे दिया। अरे किसी को भी अपना। सुनो हम बहुत ज्यादा भाग गए हैं तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए हम तीनों बैठ जाते हैं, मेरे मम्मा पापा हमारे लिए स्नैक्स ले आएंगे। ठीक है ठीक है, मैं भी राजी हूँ। चलो ठीक है, मुझे तो स्नैक्स बड़ी पसंद है। मैं तो सिर्फ स्नैक्स ही खाता हूँ, खाना तो खाता नहीं हूँ। चलो जल्दी से मंगा दो। मम्मी सुनो, काम करो जल्दी से, स्नैक्स ले आओ और पापा थोड़ा सा जूसेस ले आओ हम सब के लिए, और थोड़ा सा पानी भी ले आना साथ में। लो रुक बेटा। हाँ बेटा रुक, मैं भी लेके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे ये स्टोरी एंड होती है, आगे का आप बोलो। सो फ्रेंड्स, ऐसे इनकी मम्मा, आगे तुम बोलो। इनकी मम्मा उन अंकल से बातें करती रहती है, आगे तुम बोलो। हम आगे तुम बोलो। और हम यहाँ शाम तक रहते। बच्चे मेरी घर की दीवारों पे क्यों लिख रहे हो? हमारी मर्जी अंकल। चलो बोलते आई लव यू। सो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस जाके जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।